ग्रैंड विजन और ग्रैंड एशियन के केबल और फॉक्सटेल इंटरनेट कनेक्शन काटने की घटना का क्रम लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। शहर के अनेक स्थानों पर केबल काटने के साथ उपकरणों को चोरी कर लिया गया। वहीं पुलिस ने फिर से आरोपियों को जल्द पकड़ने की बात दोहराई है। ग्रैंड विजन के केबल और इंटरनेट कनेक्शन काटने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बुधवार को शहर के कई स्थानों से केबल इंटरनेट कनेक्शन काटे गए, जिससे दर्शकों को घंटों स्वस्थ मनोरंजन से वंचित होना पड़ा। पुलिस में इन घटनाओं को लेकर की जा रही शिकायतों के बावजूद पुलिस प्रशासन की ओर से आरोपियों को पकड़ने केवल आश्वासन ही मिलता आ रहा है। इससे पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी अब सवाल खड़ा होने लगा है। वहीं केबल काटकर अपनी घटिया मानसिकता का परिचय दे रहे आरोपी पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। पिछले 3 दिनों से हो रही केबल काटने और उपकरणों को चोरी करने की घटनाओं से स्वस्थ मनोरंजन का प्रसारण बाधित हो रहा है। इस संबंध में फोनों पर ASP संजय ध्रुव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। तो बताएंगे सर, शानदार तीसरा दिन है आज केबल कटने का, इस पे किस तरह की कार्रवाई की जा रही है, लोगों की स्वस्थ मनोरंजन में बाधाएं आ रही है? सूचना ही है, हमने प्रार्थियों को तलब किया है अभी और हमारी एक स्पेशल टीम लग रही है जो 3 दिन में जिन जिन जगहों पर ये केबल काटने की वारदात हुई है उन जगहों पर हम अपना टीम लगा रहे हैं, एक्स्ट्रा पेट्रोलिंग करेंगे और साथ में फुटेज निकालकर ऐसे तमाम लोग जो कि ऐसे कार्यों में संलिप्त हैं उनको चिन्हांकित करके उनके खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करेंगे। ओके सर, थैंक यू। बहरहाल पुलिस ने आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की बातें कही हैं। देखना होगा आरोपी कब तक पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।